के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं साबिर अली जी से। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं जेडीयू के और राज्यसभा सांसद हैं, और दिल्ली में इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो अपनी धमक दिखाएंगे। वो दिखाएंगे दिल्ली में किस तरह से जेडीयू अपना अस्तित्व बनाती है और किस तरह से लोगों के दिलों तक अपनी पहचान पहुंचाती है। देखना दिलचस्प होगा कैसे जेडीयू एक नई पार्टी जो इस बार उतर रही है चुनाव में, नई इसलिए कह रहे हैं दिल्ली के लिए नई है, भले ही वो देश के लिए एक पुरानी पार्टी है, लेकिन दिल्ली में एक नई पार्टी कितनी आराम से कहें या कितनी मुश्किल से कहें पैर जमा पाती है। साबिर भाई, यहां मेरा प्रश्न वहीं से शुरू होता है जहां आपने खत्म किया, हाईटेक की आपने बात की, जो मैं पहले कह रहा था बिहार और दिल्ली दोनों अलग अलग हैं। हाईटेक आप कह रहे हैं कि आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, या तमाम जो चीजें हैं सोशल साइट्स हैं जिनसे आप आसानी से जनता तक पहुंच जाते हैं, तो बिहार में जेडीयू ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या दिल्ली के लिए वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो युवाओं को, क्योंकि हाईटेक माना जाता है युवाओं के हाथों में ज्यादा, तो क्या युवाओं पर भी फोकस किया जा रहा है, खासकर उन युवाओं पर जो कहीं ना कहीं पार्टी के फोकस से जुड़े हुए? देखिए, दो बातें हैं। हमने कही कि हाईटेक का जमाना आ गया है, मैं कितना इस्तेमाल करूंगा ये हमने नहीं कहा, और आज भी दोहराता हूं कि ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है पैसों पर, मुद्रे पर, और ये मुद्रा जिसके पास होगा, जो कमा के रखेंगे, जिनके पास ब्रीफकेस समुद्री इलाके से आ जाए वो ज्यादा आसानी से खर्च कर सकते हैं। हम लोगों के पास मुद्दा है, मुद्रा नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं। अभी हम मुद्दे की लड़ाई जो हमारे पास छोटे वसायल हैं उससे, लेकिन साबिर जी मुद्दा भी पहुंचाने के लिए आप कहते हैं कुछ तो कोशिशें की जाती है, मैं ये नहीं कहता मुद्रा की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहती है कि वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहती, वो घर घर जा रही है, बीजेपी भी यही कहती है, तो आप भी जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास जितना दिल्ली प्रदेश में जितना कम समय में पैसा आ गया, अगर हमारे पास रहता तो मैं पूरा हिंदुस्तान लड़ लेता, और दिल्ली तो ऐसा लड़ता कि दुनिया देखती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जो आवाम की लड़ाई है वो आवाम के मुंह से, मगर जाके मुंह से मुंह जो बात फैलती है, जुबान जुबान से जो बात फैलती है, उसमें ही मैं समझता हूं कि 3 महीना 4 महीना में हम लोगों ने इतना जनता दल के कम से कम आज चर्चे हो रहे हैं। और मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने तो रिकॉग्नाइज किया कि ये पार्टी धमक ला रही है, तभी मैं समझता हूं कि आज हम लोग रूबरू बैठे हैं। फैसला जनता करेगी साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम पहले आपसे कह दिया, मैं आप कहें ना कहें, मैं खुद कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात से कोई फायदा, बिल्कुल जनता फैसला करेगी, मैं खुद कहता हूं इस बात की हकीकत भी वही है कि भाई बटन उसको दबाना है, मैं जितनी बात कह लूं आपके कैमरे पे या कोई शख्स कह ले या अखबार में छपवा लें, टेलीविजन में कहलवा लें, रेडियो मिर्ची पे कहलवा दें, उससे फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। एक चर्चा जरूर हो सकता है और 5-10% लोगों तक बात पहुंचने की गुंजाइश है, मैं उसको भी कितना ऑथेंटिक है ये मैं यहां नहीं कर सकता हूं, ये तो रिजल्ट बताएगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, सच यही है कि 20 सीट पर 25 सीट पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड से लड़ेगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बात 2 हफ्ते बाद आप खुद एनालिसिस 1 हफ्ते के बाद ही आप कर लीजिएगा, और आपने एक हाथ सीने पर रख के आप जब सोचिएगा तो कहिएगा साबिर अली ने जो बात कहा वो सच दिखाई देने लगा है। जी साबिर जी, अगर हम बात करें जब से बीजेपी से अलग हुई है जेडीयू, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के तर्कश से तीर बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, चाहे नीतीश जी हों जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों वो जो रैली करते हैं वो बिहार पर निशाना, वो कई बार ये भी कहते हैं कि आवाज बिहार तक जानी चाहिए, रैली भले ही गुजरात तक हो, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह के बयानबाजी चलेंगे, बीजेपी पर मोदी जी को निशाना बनाया जाएगा, नीतीश जी को बुलाया जाएगा? देखिए ऐसा है, मैं एक बात मान के चलता हूं, मोदी जी गुजरात के लिए लीडर हो सकते हैं बड़े, देश के लिए नहीं है। कल तक 2 महीना पहले तक उनकी भाषण मैं कभी हिंदी में ऐसा बड़ा लंबा अरसा चला गया था कि मैंने नहीं सुना था। गुजराती में भाषा ठीक है, हर आदमी को अपने लैंग्वेज में, हम भी भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, हर आदमी को और हर भाषा का हम सम्मान भी करते हैं। आपको यकीन होगा, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं गुजराती समझता भी हूं, बोलता भी हूं, और हर मराठी भी बोलता हूं, समझता हूं, तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन इंसान की मानसिकता किस तरह सेट होके और कैसे अपॉर्चुनिज्म के तरफ जाती है और अपने दामन और चोले लोग बदल लेते हैं इतना जल्दी राजनीति में, और यही वजह है। आरोप तो जेडीयू पे भी लगता है साबिर जी। नहीं नहीं, मैं आपको, हम पे लगेगा, मैं कहा, लेकिन आरोप लगाना अलग बात है, सिद्ध और उसके फैसला करना आम के हाथ में है, और सिद्ध करना तर्क के साथ, कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ कह दी जाए और कुछ ऐसे उसके पीछे तर्क रहता है, जब तर्क रहता है तो बात अच्छी दिखाई देती है और लती है मुस्तकम ही और मजबूत, और ये सही बात है। हम लोग जो बात करें, आपने कहा कि दोनों तरफ से अलग होने के बाद बहुत तीर चल रही है, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि आप 4 महीने का रिकॉर्ड आप हर चैनलों का अखबारों को निकाल लीजिए, हमारे तरफ से कितने तीर चले और किस तरह के तीर चले, उनके तरफ से कैसे तर्कश बांधे गए, हवाएं कैसी बांधी गई, उसमें कितनी सच्चाई है, आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि सही कौन कौन है और गलत कौन है।
लेकिन साबिर जी अगर हम बात करें, जनता फैसला तो करेगी और वो उसका फैसला सबको मानना भी पड़ता है, सर्वोपरि होती है, जनता से बड़ी ताकत लोकतंत्र में कोई नहीं होती और वो सबसे बड़ी ताकत है, वो साबित भी करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, रैली करेंगे जेडीयू के लिए या प्रचार करेंगे? हमारे पार्टी के मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन चेहरा और इस देश के लिए भी वो चेहरा नीतीश कुमार ऐसे एक्सेप्टेबल हैं कि बड़े साध के बात करते हैं और सच बात करते हैं और उतना ही बात करते हैं जितनी ज़रूरत है। और आपको बताऊं, वो बात करने में कम, काम करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप 4-5 महीना में देख लें, मुश्किल से 6-7 या 8 उनका पीसी मिलेगा, बाकी लोगों का दिन में 6 मिल जाता है, तो रेशियो निकालेंगे तो 1:100 है। मुश्किल है नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंचना, आप इशारों से कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी यहां जितना हमारी जरूरत होगी उसके लिए प्रचार करने जरूर आएंगे। बिल्कुल, यहां साबिर जी अगर हम बात करें मुकाबले की, तो हर पार्टी किसी ना किसी से मुकाबला समझती है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस से मुकाबला है आपका, बीजेपी से मुकाबला है या आम आदमी पार्टी से मुकाबला? हमें मुकाबले की जरूरत नहीं है, मुकाबला आदमी जब लड़ाई हो वो बॉर्डर पे की जाती है, यहाँ नीति की लड़ाई है। और नीति का मुकाबला अगर करने की बात आ जाए तो नीति के मुकाबला वो नीतियाँ जो इस देश को, नौजवानों को, गरीबों को, अकलियतों को, हर तबके को पहुँचाए, वो नीति की लड़ाई हम सबसे करने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी पार्टी को तो मानते होंगे ना कि हाँ उसके मुकाबले, हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नीतियों की बात करो, पार्टी की नीति, वो हमारे नीति के मुखालिफ जो भी सामने आएगा उससे लड़ेंगे। मतलब आप कहते हैं कि सिर्फ जेडीयू की नीति जनता के हित में है, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना किसी और पार्टी। बिल्कुल, मतलब आप सब तमाम पार्टियों को नकारते हैं, ये हर पार्टी कहती है। साबिर जी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ हमें लगता है दिल्ली में अगर हमें अपने आप को साबित करना है तो हमें कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचना होगा जहां तक वो पार्टियां पहुंचे। देखिए ऐसा है, इस इलेक्शन में तो वो जो पार्टियां वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे ये बात सत्य है जी। मैं झूठ का पुलिंदा मानने में हम यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जेडीयू की इतनी बड़ी धमक होगी, आवाम की इतनी बड़ी जो रुझान हमारे तरफ मिल रही है और उनकी जो मोहब्बत मिल रही है, मैं समझता हूं कि हमारा जितना प्रयास है, जितनी हम सोचते थे, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रुझान हमारे तरफ है और धमक इतनी मजबूत होगी कि सरकार जेडीयू के बगैर किसी की नहीं बनेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नीति और नियत के सहारे हवाओं का रुख बदलने का मादा रखने का दावा कर रही है जेडीयू, देखना होगा जनता इनकी नीति और नियत पर कितना विश्वास करती है, जनता क्या इन्हें अपना वोट देती है, इस अधिकार को अपना इस्तेमाल करती है जेडीयू के पक्ष में, क्योंकि जनता को ही फैसला करना है। और हम बार बार जनता से कहते हैं सोचे, समझे, परखें, तभी वोट करें, क्योंकि आपका ये वोट अगले 5 साल तक आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपके अधिकार हैं उन्हें दिलाने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। सही इंसान को चुने, सही व्यक्ति को चुने, अपनी नीति का अपने आप निर्धारण करें कि जो नीति चुनाव में लड़ने वाला कोई इंसान कह रहा है, क्या वो आप पर सही बैठती है, क्या उसकी नीयत साफ है, तभी शायद ये समाज बदलेगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं अगर सिस्टम को बदलना है तो आपको बदलना होगा, तो जनता को जागना होगा, जनता जागेगी तभी आपके अधिकार आपको मिलेंगे और नेताओं को भी जागना पड़ेगा, आपके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर जी, हमसे बातचीत करने के लिए।